पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपने दो राउटर को के दोनों सीरियल पोर्ट को कॉन्फ़िगर करके और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे जो ये हमारा स्विच है जो कि इथरनेट से जुड़ा हुआ है, इसके पोर्ट को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी राउटर को ओपन कर लेंगे और इसमें हम स्विच पोर्ट जो होता है इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमको, अब इसके स्विच की कौन सा पोर्ट है इसमें आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें तीन करके, एक है गीगाबाइट इथरनेट 0.0000, एक है 0.01, एक है 0.02। तो हम 0.0.0 को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे राउटर को, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल ONF। आप किसी भी कमांड को शॉर्ट में बस इसका लिख के टैब प्रेस करेंगे तो कमांड पूरा लिख के आ जाएगा। जैसे मैंने CONF करके टैब दबाया तो कॉन्फ़िगर आ गया, फिर टी प्रेस करके टैब दबाया तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल आ गया। उसके बाद से एंटर कर दिया तो हम आ गए कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। ये करने के बाद इसके बाद से हम किस में जाएंगे, हमको इसका 0.0.0 वाला पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है। हम इसमें करेंगे इंटरफेस के लिए INT और टैब इंटरफेस, और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे गीगा है तो G0.0/0/0 करके एंटर। हम इसके जो इथरनेट का होता है 0.0.0 उसके पोर्ट में आ चुके हैं। आने के बाद इसमें इसमें क्या करेंगे हम इसमें IP देंगे, तो IP AGG और टैप IP एड्रेस आ गया, और हम इसमें देंगे IP। IP देने के बाद इसका हम सबनेट मास्क देंगे 255.255.0 एंटर। इसका IP हो गया, IP दे दिया। इसके बाद भी देख सकते हैं आप इसका ये पोर्ट अभी तक रेडी है। जैसे ही हम इस पर नो शट डाउन करेंगे ये पोर्ट कन्फिगर हो जाएगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, ये हो गया नो SH टैप नो शट डाउन एंटर। देख सकते हैं इसका पोर्ट अब कन्फिगर हो चुका है, यानी कि ये इससे दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे अब दूसरे पोर्ट पर चलेंगे। अब दूसरा देख सकते हैं दूसरा राउटर है, इसमें भी हम आ जाएंगे, और आने के बाद सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल और एंटर। इसके बाद हम फिर से इसके जाएंगे S0 वाले पोर्ट पे, तो इंटरफेस और G0/0/0 और एंटर आ चुके हैं। फिर हम इसको IP देंगे IP एड्रेस, और इसका देंगे 192.168। उसमें 0.1 था, इसमें नेटवर्क चेंज कर देंगे, इसमें 1.1 कर देते, तो ये दूसरा नेटवर्क हो गया। और ये क्लास सी की IP है, तो इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 और उसमें से एंटर कर देंगे। आपको दिखा दे एक बार, इसमें भी अभी तक इसमें रेजा यानी कि अभी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। जैसे ही हम इसको नो शट डाउन करेंगे ये हो जाएगा नो शट डाउन और एंटर। देख सकते हैं ये आपस में सारे कनेक्ट हो चुके हैं। इसका नेटवर्क अलग हो गया, ये तो सेम नेटवर्क है, ये इससे ये नेटवर्क अलग है, इसका ये नेटवर्क अलग है। हम आपको अब इसमें दोनों राउटर कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हम इसको आपको सिस्टम लगा के दिखाते हैं। आ जाएंगे हम सिस्टम में, पीस ले लेंगे और दो दो पीस लगा देंगे, और स्विच और PC दोनों डिफरेंट डिवाइस है, तो इसको जोड़ेंगे हम स्टेज केबल से। ये रहा स्टेज केबल, और इसके हम इथरनेट पोर्ट से जोड़ देंगे। ये 24 पोर्ट का स्विच है, तो इसको हम एक से इसको जोड़ देंगे और इससे इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर इनको भी जोड़ देंगे, और हमने दोनों स्विच से दो दो सिस्टम लगा दिए हैं। अब करने के बाद हम इसको IP देंगे। इसमें हम सिस्टम में जो IP देते हैं, जो हम इसके इथरनेट पे दिए रहते हैं, उसी नेटवर्क का ID देते हैं। तो इसका नेटवर्क था 192.168, आपको दिखा भी देते हैं। आप देख सकते हैं ये रहा 192.168.0.1, और ये 24 लिखा, यानी कि ये क्लास सी की IP है। तो इसी ये तीन जो होता है शुरू का 192.168 और जो 0 है ये नेटवर्क होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो होस्ट होता है, यानी कि उसमें उसको चेंज कर सकते हैं। ये इसको चेंज करेंगे तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कोई भी PC को ओपन कर लेंगे और इसके डेस्कटॉप मोड में आएंगे। ये रहा IP कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आके हम IP दे देंगे। इसमें दो तरह से IP देते हैं, एक तो होता है DHCP से जो कि ऑटोमेटिक IP लेता है, और एक होता है स्टेटिक, स्टेटिक में मैनुअली देते हैं। तभी हम स्टेटिक देख सकते हैं, DHCP को हम आगे बताएंगे। तो इसमें हम IP देते हैं 192.168.0 हो गया, और नेटवर्क बढ़ाएंगे, पहले एक दिए थे उस स्विच के लिए, इसको हम दो कर देंगे।
फिर सबनेट मास्क भी ऑटोमेटिक ले लेता है, और डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे में जो हमारा इथरनेट जो इसको राउटर पे कॉन्फ़िगर किए थे वही आईपी दे देते हैं 168.1.0.1। ये हमारा स्विच, ये हम सिस्टम को आईपी दे दिए। ऐसे हम बगल वाले दूसरे को भी दे देते हैं। डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िग, स्टैटिक में आईपी देंगे 192.168.0.2 था, इसको 3 कर देंगे सबनेट मास्क, और यहाँ से डिफॉल्ट गेटवे 192.168.0.1। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं क्योंकि इनके दोनों का नेटवर्क सेम है, दोनों को आईपी सेम मिल चुका था। हम आपको पिंग करके दिखा देते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे लगाएंगे पिंग स्पेस, जो हमारे दूसरे वाले हम इस पे कर रहे हैं तो इसकी आईपी डाल के चेक करेंगे। तो इसकी आईपी थी 192.168.0.3। तो आप देख सकते हैं इसका पिंग रिप्लाई आ रहा है अच्छे से। इसके बाद फिर इसको देख लेंगे, हम आपको इसको भी खोल के दिखा दे रहे हैं। ये रहा रन कमांड, इसमें कर देंगे पिंग स्पेस 192.168.0.1। अब हम इसके बगल वाले का देंगे, इसकी आईपी देंगे, इसमें ट्रू करते हैं और एंटर। देख सकते हैं आप इसका भी रिप्लाई आ रहा है, यानी कि ये दोनों अच्छे से कॉन्फ़िगर हो चुके हैं और ये दोनों आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसका डाटा ये शेयर कर सकता है तो इन्हें एक नेटवर्क में तो ये ले सकते हैं। ऐसे ही हम आएंगे अब इसे दूसरे वाले स्विच से जो जुड़े हुए सिस्टम, इस पर हम लोग आईपी देंगे। तो डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग, स्टैटिक में आएंगे 192.168, और इसका 1 था तो 1.1 था, इसके जब हमने इथरनेट कर दिया था इसके कर देंगे 1.2। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेता है, और नहीं है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे ये फाइल गेटवे दे देंगे। ऐसे ही हम फिर दूसरे वाले पीसी पे आएंगे, इस पे भी आईपी दे देंगे 192.168.1.3, नेट मार्क और डिफाइल्ड गेटवे डट इसको 1 कर दिया। अब आपको इसको भी दिखा देंगे ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पिंग स्पेस 192.168.1.3, देख सकते हैं पिंग रिप्लाई आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो हमारा ये वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम क्या इनको से वो पिंग ले पा रहा है, यानी कि इन अपना डाटा इनको शेयर कर सकता है, क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको खोल लेंगे और इससे हम पिंग लगा के देखेंगे। तो पिंग स्पेस 192.168.0.2 एंटर करेंगे तो देख सकते हैं ये क्या दिखा रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि उनके पास तक इसका कोई भी डाटा नहीं पहुंच रहा है, यानी पिंग नहीं पहुंच रहा है। हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहली वाली वीडियो देखनी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उससे देख सकते हैं, या तो हमने अपनी में प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।